नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। महत्वपूर्ण दिन, हमारा देश, आप तो पहले भी बोलते हैं, भारत देश उस देश उस संस्कृति में शामिल है जहां महिलाओं को देवी का और धरती का स्थान हासिल। महिला ही हमारे यहाँ पूजनीय है और आज इस महिला वर्ग के सम्मान को दिमाग में रखते हुए हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष कमलनाथ जी द्वारा नारी सम्मान योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। शुभारंभ छिंदवाड़ा में उन्होंने स्वयं किया अपनी लोकसभा क्षेत्र से और सभी जिलों में 12:30 बजे उन्होंने शुभारंभ किया। सभी जिलों में उसके बाद शुभारंभ इस योजना का किया जा रहा है। योजना का शुभारंभ करने के लिए हमारे यहाँ हमारे बीच के ही पूर्व मंत्री और विधायक सम्मानित कमलेश्वर पटेल जी उपस्थित हैं। उनको रीवा जिले में इस योजना का शुभारंभ करने का दायित्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी से दिया गया है। हमारे बीच प्रताप भानु शर्मा जी, हमारे संगठन प्रभारी, प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद उपस्थित हैं। नगर के प्रथम नागरिक सम्मानित अजय मिश्रा बाबा यहाँ उपस्थित हैं। हमारे महिला कांग्रेस कमेटी की सम्मानित प्रदेश उपाध्यक्षा कविता पांडे जी उपस्थित हैं। संभागीय प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी, डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष लखनलाल जी यहाँ उपस्थित हैं। आपको जैसा कि मालूम है कि कांग्रेस पार्टी ने और कमलनाथ जी ने हमेशा नारी के सम्मान की बात की। हमारी कांग्रेस पार्टी की नेत्री स्वयं एक नारी है। हमारी पार्टी ने देश को प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी दिया, जिसे पूरा विश्व आयरन लेडी के नाम से जानता है। जैसे ही कमलनाथ जी ने अपनी सरकार बनाई, उन्होंने सबसे पहले किया कि कन्या की जो विवाह की राशि है उसको बढ़ाया। उन्होंने वृद्धा और निराश्रित पेंशन में वृद्धि की। कमलनाथ जी की सारी योजनाएं नारी हितैषी योजनाएं थी। हमारी सरकार 2023 में जब बनेगी तो आप देखेंगे, अभी हमारा जब वचन पत्र आएगा तो उस वचन पत्र में आप देखेंगे कि बहुत सारी नारी हितैषी योजनाएं हम लोग लागू कर रहे हैं। अब आज की इस हमारी जो योजना का रीवा जिले में शुभारंभ करने के लिए मैं हमारे सम्मानित अतिथि और यहाँ के इस योजना के शुभारंभ करने के लिए आए हुए हमारे मुख्य अतिथि सम्मानित कमलेश्वर पटेल जी इस योजना का यहाँ से शुभारंभ करेंगे। अच्छा, हाँ हाँ, पत्रकार पहले वो आप लोगों को ब्रीफ करेंगे, फिर लॉन्चिंग के बारे में। धन्यवाद, इधर रख दीजिए, करो आप। हमारे बहुत ही सम्माननीय पूर्व सांसद और रीवा जिले के प्रभारी श्रद्धेय श्री प्रताप भंत शर्मा जी, आदरणीय महापौर, साथ ही हमारे श्री बाबा मिश्रा जी, आदरणीय ग्रामीण के अध्यक्ष राजन शर्मा जी, शहर के अध्यक्ष आदरणीय लखनलाल खंडेलवाल जी, आदरणीय हमारी बड़ी बहन श्रीमती कविता पांडे जी, आदरणीय प्रतिभा सिंह जी संभागीय प्रवक्ता, आज की इस पत्रकारिता में पत्रकार वार्ता में उपस्थित हैं और उपस्थित हमारे सभी सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सम्मानित पत्रकार साथीगण। सबसे पहले तो जो समय निर्धारित था उस समय से थोड़ा विलंब से पत्रकार वार्ता हो रही है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप सबकी बहुत व्यस्तता रहती है, अलग अलग जगह कवरेज के लिए जाना पड़ता है। आज की इस पत्रकार वार्ता का जैसा कि आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जो आज पूरे प्रदेश में एक साथ हमारी जो देवियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, माता है,
उनके लिए हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने पूरी तन्मयता से, पूरे वचन के साथ, पूरे सोच विचार के और बहुत ही प्लानिंग करके, ऐसा नहीं कोई हवा में कोई प्लानिंग नहीं की है। जिस तरह पूर्व में उन्होंने अगर कहा था कि 100 रुपए 100 यूनिट बिजली देंगे तो दे के बताया था, और सब कोई यहाँ पे, अगर आप सब भी उसको, आप लोगों ने भी महसूस किया, पूरे प्रदेश की जनता ने महसूस किया है, उसी तरह प्लानिंग करके पूरी तरह से वचन दिया है। कमलनाथ जी वचन दे रहे हैं, आज उन्होंने सुंदरकांड का पाठ कराकर और पूरी महिलाओं की ताकत से उनका कोई भी किया हुआ वादा धरातल पे आया नहीं। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस। हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने ये तय किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार महिलाओं को 25,000 रुपए साल में 25,000 रुपए की मदद करेगी। 25,000 रुपए, 18,000 आपका नारी सम्मान योजना के तहत, 1,500 रुपए महीना, और उसी तरह हर महीने में 500 रुपए में एक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। ये हम कह सकते हैं कि साल में 25,000 रुपए हमारी देवियों को, जो हमारी बहनें हैं, माता हैं, जो गृहणियां हैं, उनके लिए ये हमारी सरकार बनते ही हमारी पार्टी ने ये अपने पार्टी के वचन पत्र में ये शामिल किया है और ये पूरी तरह से लागू करेगी। कोई इनके जैसे नहीं, भारतीय जनता पार्टी की 18 साल से ज्यादा समय से सरकार है, अभी तक हमारी बहनों के बारे में, दीदियों के बारे में, माताओं के बारे में कोई ख्याल नहीं लिया। हमारी सरकार बनी थी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ाकर 600 करने का काम किया था वृद्ध महिलाओं का, हमारी जो विधवा महिलाएं हैं, और हमारी सरकार अगर बनी रहती तो 1,000 अप्रैल में ही होना था। मार्च में हमारी सरकार चली गई, अप्रैल में 1,000 करने की प्लानिंग थी। इसी तरह हम सुनते रहते भाजपा के नेताओं को, अभी जो गृह मंत्री जी है, गृह मंत्री का बयान हम सुन रहे थे 2 दिन पहले, लगातार वो कटाक्ष कर रहे हैं। अरे मंत्री जी, सरकार में बैठे हुए लोग, आप 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, आपकी सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया, झूठे आप लोग हो। हमारी पार्टी, हमारी नेता, हमारी सरकार कभी झूठे वादे, झूठे काम नहीं किए, जो कहा वो करके बताया। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। इसी तरह जब देश में हमारी यूपीए की गवर्नमेंट थी तो किसानों का कर्जा माफ करने का यूपीए गवर्नमेंट ने 1,000 करोड़ रुपए देश के किसानों को, 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। तो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके बताती है। इसी तरह आज आप देखेंगे, हमने बिजली का पहले उल्लेख किया, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली। आज सरकार जाने के बाद बिजली का क्या आलम है, 1,000 2,000 ही नहीं बल्कि 10-10 20-20 हजार रुपए बिजली के बिल आ रहे हैं लोगों के। कोई मीटर रीडर नहीं है, कोई उनके पास पैमाना नहीं है, कोई उनके पास मीटर खराब पड़े हुए हैं, उसके बाद भी कहां से कौन से पैमाने से ये लोग रीडिंग कर रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति, किसान मजदूर, हर कोई परेशान है, और कुड़कियां तक करने का काम किया है। आपने देखा होगा सागर जिले में एक वृद्ध महिला जो स्नान कर रही थी, वो किस तरह से उनकी कुड़की का सामान ले जा रहे थे, वो दौड़ के नहाते हुए दौड़ के जो है ना अपना सामान बचाने के लिए, किस तरह मुख्यमंत्री को तब पता चला कि हमारी सरकार में इस तरह हो रहा है। उनको तो भाषण देने से ही फुर्सत नहीं है, इवेंट कर रहे लोग। सरकारी धन का अगर कोई दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है, वो भाजपा सरकार के नेताओं से सीखना चाहिए।
अगर ये पैसा किसी गरीब के, किसान के, किसी माता बहन के किसी काम में अगर लगाते, जितना ये करोड़ों लाखों रुपए इवेंट में देश प्रदेश में जो ये खर्चा कर रहे हैं, वो अगर कहीं ये हमारे किसानों के काम, माता बहनों के लिए अगर कोई अनुदान दे देते, कोई काम करते, तो शायद ये स्थिति नहीं पैदा होती। आज आप देखिए, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर सबके दाम बढ़ गए। जब घर घर सिलेंडर, गैस चूल्हा बांटा था तो क्या कहा था कि हम आंसू जो बहता है धुएं से, लकड़ी से, हम उसको पोंछना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उनका आंसू बंद हो महिलाओं का, पर वो आंसू तो महंगाई के आंसू रुला दिया आपने। आज सबसे ज्यादा अगर घर में लोग परेशान हैं, और हमारी जो गृहणियां हैं, जो हमारी माता बहन है, उनको देवी का स्वरूप ऐसे ही नहीं कहा गया है। सबको खिला पिला लेती है, बच्चे का लालन पालन करती है, अपने पति का करेंगी, घर में परिवार में अगर पुरुष वर्ग के और लोग हैं, पहले उनको खिलाने पिलाने के बाद वो अगर उनके पास नहीं है तो भूखे सो जाएंगी, पर पहले वो अपने बच्चों का लालन पालन करती है, अपने पति का करती है, सबका ध्यान रखती है, कितना त्याग करती है। और गृहस्थी कौन चलाता है? गृहस्थी तो महिलाएं घर की चलाती है। आप सब भी, हो सकता है कि पत्रकार साथियों के लिए कुछ विशेष पैकेज आता हो सरकार की तरफ से, तो पता नहीं, बाकी स्थिति तो बहुत खराब है। और हर हर घर में ये हालत है कि आज सबकी गृहस्थी को बर्बाद कर दिया है। आज महंगाई का आलम देखिए, वर्तमान में घरेलू सिलेंडर 1108 रुपए में, बिजली की कीमत 200% से अधिक, दूध के दाम 30% से अधिक, घी के दाम 25% बढ़े हैं, खाने पीने की वस्तुएं 100% से अधिक महंगी हो चुकी है, बच्चों की पढ़ाई की फीस अत्यधिक बढ़ गई है, सामग्री सीमेंट दवाई ईंट रेत के भाव, ये तो सोने के भाव होते साहब, आप सबको भी पता है कि क्या स्थिति है, कपड़ों की ऐसा नहीं बचा। अच्छा, तो आप ही लोग बचे होंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रशंसा आप लोगों की तरफ से दबाव में आ जाती है, कैसे आ जाती है पता नहीं, सच्चाई सामने आती नहीं है। पर आज जो आलम हमारे देश का हो गया है, इसको अगर बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं, आप सबसे मेरा आग्रह भी है कि आप लोग सच्चाई का साथ दीजिए, जैसा कि कमलनाथ जी हमेशा बोलते हैं कि आप लोग सच्चाई का साथ दीजिए। अब समय आ गया है, परिवर्तन का समय है, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, हमने देखा है, कई जगह देखा है। और आज हमारी अगर बेटियां सशक्त होंगी, समृद्ध होंगी, सशक्त नारी होगी, तो सशक्त समाज भी होगा। और हम कह सकते हैं कि भाजपा सरकार ने खोखले वादे किए हैं, मिले हुए अधिकार को छीनने का काम किया है। अगर महिलाओं को बढ़ाने का काम किसी ने किया है, कांग्रेस सरकार ने किया है। अगर ये कई बार पार्षद रही, महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होता तो शायद पार्षद नहीं रहती। इसके पहले आपके यहाँ महापौर थी, आरक्षण किसने? राजीव गांधी ने पंचायती राज निकाय चुनाव के लिए जो 73वां 74वां संशोधन विधेयक लाए थे, और राजीव गांधी जी अगर लेके नहीं आते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। पंचायतों में आप देखिए, पंच से लेके सरपंच से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक अगर महिलाएं बन रही है, जनपद अध्यक्ष, सभी जगह, ये नारियों को अगर सशक्तिकरण का किसी ने काम किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है, किसी और ने नहीं किया है। इन्होंने मिले हुए अधिकार को लगातार छीनने का काम किया है। आज से हम लोगों का जो नारी सम्मान समारोह है, कलर है क्या? हाँ, कलर भी। नारी सम्मान समारोह ये हमारा फॉर्मेट है, और बहुत ही सहज सरल उसमें है। आप सबसे हम आग्रह भी करेंगे, अभी प्रोग्राम भी है जहां ये फॉर्म भराए भी जाएंगे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी है वहां, वहां भी आप सबसे निवेदन करेंगे कि वहां भी आप सब कवरेज करेंगे। पर इस फॉर्मेट में ये ठीक है, अच्छा फॉर्मेट को भी बहुत सरल बनाया है। आप बहुत कम जानकारी इसमें मांगी गई है, जिसमें 1500 रुपए जो महीने में मिलना है उसका भी उल्लेख है, 500 रुपए में जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर दिया जाएगा उसका भी उल्लेख है, और बहुत सीमित जानकारी मांगी गई है, उलझाने का काम नहीं किया गया है। और ये जो फॉर्मेट सभी गांव गांव में घर घर जाकर
शहर में घर घर जाकर जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर के सेक्टर मंडलम के कार्यकर्ता इस फॉर्मेट को भरेंगे और ये फॉर्मेट हमारे पास सुरक्षित रहेगा और सरकार बनते ही हमारी पार्टी हमारी सरकार इसका क्रियान्वयन का काम पहली प्राथमिकता में करेगी, ऐसा पूरी तरह से वचनबद्ध है। देखिए ऐसा है, इस जो जिनको भागना था वो भाग गए, अब वो वहां से भी भगाए जा रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है ये आप सब समझ सकते हो। और आज जहां जहां जो लोग धोखे देके चले गए थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की पीठ में अपनी माँ की पीठ में जिस संस्था के नाम पर जिंदगी भर राजनीति किए, विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया था, इस बार जो मुख्य चुनाव अभी 2023 का होगा, 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, तो उनको जनता सबक सिखाएगी। जो उपचुनाव हुआ है वो सरकारी तंत्र पर और जोड़ तोड़ में हुआ है, धनबल पे हुआ है, पर अभी जहां भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं या मंत्री लोग जा रहे हैं, जनता कौन जुटा रहा है? अधिकारी कर्मचारी, अभी प्रधानमंत्री आए थे, कितना टारगेट था, ऐसे ही हर जिले में हो रहा है। जनता बिल्कुल नाखुश है, इनको देखना नहीं चाहती है, बदलाव की बिहार चल रही है, सरकार कांग्रेस की बनेगी और फुल मेजोरिटी में बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप देख रहे हैं, आदरणीय दीपक जोशी जी आए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं, अभी छत्तीसगढ़ में नंद कुमार साय जी आए हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइन में हैं, आप देखते जाइए अभी क्या क्या होता है। हमारे यहाँ सबको ही कमलनाथ जी के नेतृत्व में जितने भी प्रदेश के नेता है एकजुट है और हम लोग पूरी तन्मयता से प्रदेश की जनता के हित में लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। संगठन का पूरा उपयोग इन फॉर्मों को भरवाने में, इनकी रजिस्ट्रेशन कराने में, हम पोलिंग बूथ लेवल तक जाएंगे। यदि हमारा रीवा जिले का टारगेट 4 लाख महिला सदस्यों को बनाने का है, तो 2013 हमारे पोलिंग बूथ है, तो 2013 में हमारा एवरेज आता है 200 का, हम 200 पर महिलाओं का एनरोलमेंट करेंगे जिन्होंने उस सरकारी फॉर्म में भर के दे दिया होगा और हमारे इसमें एनरोल होना चाहते हैं। हम हमारे महिला और सेक्टर पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन्हें इसका लाभ बनेंगे और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम बिल्कुल प्रभावी तरीके से बगैर किसी द्वेष भावना के उन सब तक उस लाभ को पहुंचाएंगे जिन्होंने ये फॉर्म हमारा भर के दे देंगे, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। इसमें सब में नंबर्ड है, 31 लाख से लेकर 35 लाख तक का नंबर हमारे रीवा के लिए अलॉट हुआ है। हम इसी के अंतर्गत ये फॉर्म छपा रहे हैं और हर गांव में पोलिंग बूथ कार्यकर्ता के माध्यम से मंडलम सेक्टर की मीटिंग कर करके हम पहुंचा रहे हैं। ये जिला कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत इस काम को किया जाएगा। प्रशासन का सहयोग ना हमें जरूरत है और ना ये सरकारी कार्यक्रम है, परंतु यह हमारा पार्टी का आदरणीय कमलनाथ जी का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। हम संगठन के माध्यम से उठाकर इनको हितग्राहियों का चयन करेंगे और जो हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले उन्हीं लोगों को इसमें फायदा मिलेगा, उन्हीं को डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा लाभ, जिनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमको 15 जून तक या 30 जून तक मिल जाएंगे। इस पर आज के बाद से काम शुरू होगा और ये टारगेट हर पोलिंग बूथ बार हमने सुनिश्चित कर दिया है और मुझे विश्वास है करीब 25,000 रुपया साल में एक बड़ी आर्थिक मदद महंगाई के दौर में मिलेगी। ये महंगाई के खिलाफ अटैक है डायरेक्ट, ये तो महंगाई महंगाई कम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इनके कान पर कोई जू नहीं रहता था, पर कांग्रेस ने यदि महंगाई का मुद्दा उठाया तो उसका समाधान भी दे दिया और ये तो शुरुआत है। हिमाचल में कर चुके हैं, कर्नाटक में हो गई है घोषणा 2000 तक की, राजस्थान में 1 अप्रैल से लागू हो गई है योजना। हमारी सरकार बनते से जैसे आप सबकी भावना दिख रही है, खूब जन समर्थन आप लोग दिलवा रहे हैं हम सबको, आप सबका इसमें समर्थन सहयोग मार्गदर्शन मिलता रहे, कहीं कोई त्रुटि हो या कोई आपका सुझाव हो वो जरूर आमंत्रित है, तदनुसार हम संगठन के माध्यम से उस काम को करेंगे। धन्यवाद। उसमें बहुत सारे छन्ने लगाए थे, इनकम टैक्स पे ही हो, मोटर हो, ट्रैक्टर हो, गाड़ी हो, और बमुश्किल 2 करोड़ के लगभग उन्होंने फॉर्म जमा कराए हैं
और उसमें बमुश्किल 25 लाख के लगभग महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिलने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो हमारी नारी सम्मान योजना है उसमें किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है। कोई भी महिला जो कि सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कराए, फॉर्म भरे और उनको 1500 रुपया महीने मिलेगा, साल का 18000 रुपया, और साथ ही जो घरेलू गैस का सिलेंडर आज की डेट में लगभग वीवो में 1150 रुपये का मिल रहा है, वह कॉमन राज्य की सरकार आती है अक्टूबर में 500 रुपये का मिलेगा। तो आप ये मानिए कि आपके परिवार को लगभग 25000 रुपये का बेनिफिट तुरंत के तुरंत मिलेगा। आज महंगाई की मार से आम जनता परेशान है, आप सब भी परेशान है, इसके कारण ही नारी सम्मान योजना में आप सबके सहयोग की हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप अपने परिवार की भी महिलाओं को भी नारी सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आज हजारों की तादाद में रीवा शहर की महिलाएं यहाँ पर पधारी हैं, जो रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम होगा। आज माननीय पूर्व मंत्री कमलेश्वर भाई पटेल जी, पूर्व विदिशा के सांसद जी प्रताप भानु शर्मा जी, राजीव भैया और महापौर जी और सब लोग मिलकर इसका हम लोग लॉन्चिंग कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में छिदवाड़ा के परसिया से सुंदरकांड के पाठ के बाद कमलनाथ जी निवास से शुरू हुई है और संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज एक साथ यह योजना लॉन्च हो रही है। तो नारी शक्ति के सशक्तिकरण में यह इतिहास में दर्ज अवसर होगा जब एक साथ 2.5 करोड़ महिलाएं सशक्त होंगी। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।